Assalamu alaikum, my name is Muhammad Hussain, class 5. Today my topic of presentation is classification of lineage. What is classification? Classify, divide. To divide living thing into different group is called classification. Classification purpose. Classification ka maksad kya hai? To study living thing more easily. There are two main kingdom of classification. Animal and plant. Animal kingdom mein animal kingdom ki two kinds hoti hain. Vertebrate and invertebrate. Vertebrate which have backbone or invertebrate ki which have no backbone. Example of vertebrate iski five examples hoti hain. Mammals. Pehli iski example hai mammal. Mammal jo doodh pilate hain janwar. उनमें ह्यूमन आ जाता है और दूसरी है बर्ड जो उड़ते हैं जानवर उनमें स्पैरो हो जाती है और एम्फीबियन जो पानी में भी रहते हैं और कुश्ती में भी रहते हैं वो फ्रॉग रिप्टाइल जो रेंगते हैं जानवर जैसे कि एलिगेटर फिश जो पानी में वाले जानवर होते हैं जैसे शार्क. अब हम चलते हैं इनवर्टिब्रेट की तरफ. एग्जाम्पल ऑफ इनवर्टिब्रेट इसकी टू एग्जाम्पल होती है इंसेक्ट्स एंड बर्ड. इंसेक्ट्स में हम लिखते हैं आंट. एग्जाम्पल होगी आंट और वार की हम लिख देते हैं टैप वार. टैप वार एंड इंसेक्ट्स की होगी एंट और वार्म की होगी टैप वार या इसके जगह हम फ्लैट वार भी लिख सकते हैं. और अब हम प्लांट किंगडम की तरफ आते हैं. प्लांट किंगडम इसकी टू काइंड होती है नॉन फ्लावरिंग प्लांट एंड फ्लावरिंग प्लांट. इसके एग्जाम्पल देखते हैं नॉन फ्लावरिंग प्लांट कौन से होते हैं जैसे कोनीफर्स और फ्लावरिंग प्लांट रोज या सनफ्लावर भी रह सकता है. थैंक यू. अल्लाह हाफिज़.